Look at this sentence. He finally answered that he didn't understand the question. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ब्रैकेट्स तब यूज़ करते हैं या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हों जब हम समझें कि ये जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ना इसको ब्रैकेट्स में कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूँ आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स, कि जो मेन बात हो रही है उससे रिलेटेड नहीं है, बस वैसे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ही फाइनली आंसर्ड आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लास्ट पे हमारे पास स्पीच मार्क, जिसे हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क से ही पता चलता है कि ये हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की बात को कोट कर रहे हों, कोटेशन लिख रहे हों, किसी और के वर्ड्स हों उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका नाम लिख कर उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माहा सेड कॉमा आई रियली हेट व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस बात को हमें लिखना है, क्योंकि ये हमने किसी और की बात जो है वो कर रहे हैं, उसने कहा है। ओपन योर ग्रामर बुक्स पेज नंबर 85। पंक्चुएशन एंड द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन की जब बात की जाती है तो कैपिटल लेटर्स भी उसके साथ ही हमेशा आते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग। जमाल सेड द इंस्पेक्टर इज़ अ फूल। जमाल इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा सेड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से कहा इज़ अ फूल, के वो फूल है। द फर्स्ट सेंटेंस जमाल सेड ये वाला इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द सेकेंड इन मीनिंग, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है मीनिंग के लिहाज से। हम कहते हैं जमाल सेड द इंस्पेक्टर इज़ फूल, जमाल ने कहा इंस्पेक्टर जो है वो बेवकूफ़ है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ नो स्टॉप्स, कोई स्टॉप्स नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं। द सेकेंड हैज़ स्टॉप्स इन द प्रॉपर प्लेसेस, जो ठीक जगह है वहाँ पे। द फर्स्ट सेंटेंस मेक्स नो सेंस, उसकी कोई सेंस नहीं। द सेकेंड मेक्स सेंस, दूसरे वाले सेंटेंस की जो है वो सेंस है कि जमाल सेड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से कहा उसने। So we see that the omission or wrong use of punctuation may altogether change the meaning of a sentence. कि हम कुछ words को जब omit करते हैं या हम कुछ add करते हैं तो वो proper complete sentence का meaning जो वो change कर देते हैं। The most common punctuation marks जो हम देख चुके हैं, comma, semicolon, colon, full stop, question mark, mark of exclamation, quotation mark, comma. मार्क्स इज शॉर्टेस्ट पोल इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट। कि हमारे पास लिस्ट है, काफ़ी वर्ड्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा नेम्स हैं, अली, असद, राशिद एंड मोहसिन मेट ऑन द रोड। शी लिव्ड इन अ नोबल, ऑनेस्ट एंड पायस लाइफ। एक तो कॉमा इस तरह यूज़ होता है कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें, हम उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करें, और इस तरह होता है बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स इन अपोजिशन। बाबर द वाइजेस्ट ऑफ द मुगल किंग्स रूल नोबली। कि जिन वर्ड्स पे जो मेन वर्ड्स हैं सेंटेंस में, मेन पार्ट है उसका मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उन वर्ड्स से बिफोर और आफ्टर में यूज़ कर सकते हैं। टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ पर्सन एड्रेसेस। राशिद कॉमा शट द डोर। काशिफ कम इन टू द रूम। कि जिस पर्सन से आप मुखातिब हैं उसके नेम के बाद कॉमा यूज़ करें। सेमी कॉलन मार्क अ ग्रेटर पॉज। जैसे हमने उसकी बात की थी कॉमा की कि वो स्मॉल पॉज के लिए यूज़ होता है, तो उन्होंने कहा सेमी कॉलन जो वो थोड़े ज़्यादा पॉज के लिए यूज़ होता है। देन डेट इंडिकेट बाय अ कॉमा इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लॉजेज। I came, I saw, I concord, I laugh, I run, I leap, I sing for joy. Next is colon. Colon indicates a greater pause than that shown by a semicolon. It is used to except to mark of a direct quotation. Okay. Colon जो है जब हम कोई quotation जो है वो अपने sentence में, अपने paragraph में quote करना चाह रहे हो, तो उस कोटेशन से पहले कि इस पोइट ने कहा या इस पर्सन ने कहा, उसके बाद हम कोलन यूज़ करते हैं। अब पोइट से कोलन आगे हमारी जो बात स्टार्ट हो रही है हम उसको करेंगे इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट फुल स्टॉप प्लेस एट द एंड ऑफ द असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। नेक्स्ट कोटेशन क्वेश्चन मार्क
is placed at the end of interrogative sentences. How old are you? How do you do? The mark of exclamation is used after an exclamatory sentence. What luck! How it rains! Well done! Quotation marks or inverted commas are used to point out the exact words of a speaker. किसी पर्सन के जो स्पीकर बोलने वाला उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं कि उसके अंदर हम अपनी कोई बात ना ऐड करें, उसी के सेम टू सेम वर्ड्स लिखें, तो हम इस तरह कहते हैं द टीचर सेड कोमा टाइम इज मनी. अब ये टीचर के वर्ड्स हैं तो हमने उसको वैसे ही लिखना है एज इट इज़, इसलिए इन्वर्टेड कोमास. नेक्स्ट कैपिटल लेटर्स. ये आपको पता है कि हमेशा प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो हम कैपिटल में लिखते हैं. एवरी न्यू सेंटेंस जब भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट करना है तो कैपिटल से करना है, और प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनको कैपिटल से करना है. और इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ओ गुड आई, ठीक है, ये सेंटेंस के दरमियान में भी आ जाएं तो हम इनको कैपिटल ही लिखते हैं. इसके अलावा जब हम कोई बात जो है वो कोटेशन मार्क्स में लिख लें तो उसका जो फर्स्ट होगा उसको भी हम कैपिटल में लिखेंगे. अब आपका टास्क ये है कि ग्रामर बुक में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं पंक्चुएशन मार्क्स की, आई थिंक सो एक ही है, तो आपने ये जो है सॉल्व करनी है. जिनके पास ग्रामर बुक नहीं है मैं उनके लिए पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, वो अपनी रफ नोटबुक पर इसको सॉल्व कर लें. बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बुक पर ही करेंगे. पंक्चुएट एंड री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. पंक्चुएशन को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को आपने दोबारा लिखना है.